चीन ने एक नया लड़ाकू हेलीकॉप्टर तैयार कर लिया है। हाल ही में इस हेलीकॉप्टर ने अपनी पहली उड़ान भरी है। Z-19E नाम का ये हेलीकॉप्टर एविक हार्बिन एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री ने बनाया है। इसकी पहली उड़ान को टीवी पर कवर भी किया गया है। क्या है खास? Z-19E को ब्लैक व्हर्लविंड भी कहा जाता है। इस हेलीकॉप्टर की खासियत ये है कि इससे जल्दी अटैक किया जा सकता है। इसे उड़ान भरने में ज्यादा समय नहीं लगता। हालांकि इसकी डिटेल्स अभी कंपनी ने नहीं दी है। ये हेलीकॉप्टर किसी भी अटैक मिशन के लिए अच्छा साबित हो सकता है। पहले से बेहतर डिजाइन। इस हेलीकॉप्टर की बॉडी काफी पतली है। इसे सीधे अटैक करने के लिए डिजाइन किया गया है और इस हेलीकॉप्टर से आसानी से छोटी मिसाइल भी दागी जा सकती है। इस हेलीकॉप्टर को चीन ने एक सपोर्ट के हिसाब से बनाया है और युद्ध के समय ये एक बेहतरीन मशीन साबित हो सकती है। इसे बनाने वाली कंपनी का कहना है कि ये एक ऐसा हेलीकॉप्टर है जिससे युद्ध के साथ साथ अन्य छोटे बड़े सैन्य मिशन में फायदा मिल सकता है। ये दिन और रात दोनों में एक तरह से ही काम करता है। टैंक उड़ाने के लिए बनाया गया ये हेलीकॉप्टर खास तौर पर टैंक हथियारों से भरी गाड़ियां और अन्य ग्राउंड टारगेट के लिए बनाया गया है। इसे हमला करने में ज्यादा समय नहीं लगता है। डुअल सीट केबिन में दोनों पायलट को अच्छा विजन मिलता है। चीन ने पिछले कुछ सालों में बेहतरीन हथियार बनाए हैं। डिफेंस मार्केट में अपनी बेहतर स्थिति बनाने के लिए चीन ने इस हेलीकॉप्टर को डिजाइन किया है। चीन का फोकस ज्यादातर देशों के डिफेंस बाजारों पर है। इससे चीन की खराब और कॉपी किए हुए हथियार बनाने वाले देश की छवि खत्म हो जाएगी। इस हेलीकॉप्टर में ऐसे भी उपकरण हैं जिससे पायलट की सुरक्षा सही तरह से हो पाएगी। Z-19E को बाहर के बाजारों में बेचा जा सकता है क्योंकि इसके कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो कि दूसरे देशों के मिलिट्री सिस्टम से मेल खाते हैं। ये उन देशों के लिए है जिनको हाई मिलिट्री हेलीकॉप्टर का अटैक पावर के साथ चाहिए। इस हेलीकॉप्टर को किन देशों को दिया जाएगा या इसकी कीमत कैसी होगी, इसकी युद्ध क्षमता क्या है, इसके बारे में अभी तक चीन ने कुछ नहीं बताया है। हो भी सकता है कि ये पाकिस्तान जैसे देश के काम आए और या किसी न किसी तरह से भारत का नुकसान हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इस हेलीकॉप्टर को भारत जैसे किसी मार्केट के लिए ही बनाया गया हो और ये सेना की शक्ति बढ़ाए।